हाय फैमिली, कैसे आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है विहान शर्मा और आप सभी का फिर से वेलकम अपने भाई के चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज दोस्तों आज के टाइम हर किसी को एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक, ओसीडी की दिक्कत रहती है। एक्चुअली दोस्तों, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को पता है इस दिक्कत के बारे में। दोस्तों, ये लोग चाहते भी हैं कि हम इन दिक्कतों से बाहर निकल जाएं, लेकिन चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा कि सेरोटोनिन को कैसे नेचुरली बढ़ाएं ताकि ये सभी दिक्कतें ख़त्म हो जाएं। सो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हर बार की तरह अगर चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो वेट किसके कर रहे हो, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो एंजाइटी की दिक्कत है, डिप्रेशन की दिक्कत है या फिर पैनिक या ओसीडी की प्रॉब्लम्स हैं, इन सभी के अंदर एक कॉमन हार्मोन होता है जिसमें कैमोन न्यूरोकेमिकल की कमी हो जाती है और उस हार्मोन को हम सेरोटोनिन कहते हैं। दोस्तों, जब हमारे ब्रेन के अंदर इस सेरोटोनिन की कमी हो जाती है तो हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक और ओसीडी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर दोस्तों आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो वो आपको SSRI कैटेगरी की दवाई ज़रूर देगा। दोस्तों, SSRI का मतलब सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिपटेक इनहिबिटर है। दोस्तों, ये जो मेडिसिन होती हैं ये हमारे सेरोटोनिन को बढ़ाती हैं। जैसे ही हमारे ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ती है, वैसे ही हमारी बॉडी से एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक और ओसीडी जैसी दिक्कत गायब हो जाती है और आप हैप्पी फील करने लगते हो। जब दोस्तों हमारे ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन की मात्रा कम होती है तो हमें इन सभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और जब सेरोटोनिन हाई होता है या फिर नॉर्मल होता है तो हमें हैप्पीनेस फील होती है। दोस्तों, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप बिना किसी बात पर हंस रहे हो, मतलब कि आप अंदर से खुश हो, और अगर आपको कोई गुस्से से बुला रहा हो तो भी आप उसे बड़ी आराम से जवाब देते हो, बिकॉज आपका जो सेरोटोनिन लेवल है वो हाई होता है जिसके कारण आप हैप्पी फील करते हो। अब दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में ये बात तो ज़रूर आई होगी कि ये सेरोटोनिन बनता कैसे है। अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि सेरोटोनिन बनता कैसे है तो उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो ताकि मेरा भी सेरोटोनिन लेवल हाई हो जाए। दोस्तों, ये जो सेरोटोनिन है ये एक तरह का अमीनो एसिड है। अब आप लोग ये पूछोगे कि अमीनो एसिड होते क्या हैं, तो दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ, हम जो भी खाना खाते हैं उसमें तीन मेन कॉम्पोनेंट होते हैं, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। और दोस्तों, जो प्रोटीन होता है वो इन्हीं अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। और आपको बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के अमीनो एसिड होते हैं, एक एसेंशियल अमीनो एसिड और एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। दोस्तों, जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो हमारी बॉडी अपने आप ही बना लेती है, उसे बाहर से लेने की कोई जरूरत नहीं होती। जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं उन्हें बॉडी नहीं बनाती, उन्हें लेना पड़ता है डाइट के थ्रू। इन अमीनो एसिड्स के अंदर जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, इन्हीं के अंदर एक अमीनो एसिड्स होता है जिसका नाम है ट्रिप्टोफेन। दोस्तों, जो ट्रिप्टोफेन होता है वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनता, इसे डाइट के थ्रू ही कंज्यूम करना पड़ता है। और दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जो ट्रिप्टोफेन होता है यही सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ाता है। अगर दोस्तों आपका सेरोटोनिन लेवल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी से एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक और ओसीडी जैसी दिक्कतें अपने आप गायब हो जाएंगी, अगर हम अपनी डाइट के अंदर ट्रिप्टोफेन को ऐड करते हैं तो। अब दोस्तों, आप लोग पूछोगे कि हम कौन सी डाइट लें जिसके अंदर ट्रिप्टोफेन अधिक मात्रा में हो। अगर दोस्तों आप अपनी डाइट के अंदर ट्रिप्टोफेन रिच डाइट ऐड करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी से ये सभी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। अब दोस्तों, आप लोग पूछोगे कि कौन सा खाना खाएं जिसके अंदर ट्रिप्टोफेन होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग पाइनएप्पल खाते हो तो इसके अंदर ट्रिप्टोफेन ज़्यादा मात्रा में होता है। आप केला भी खा सकते हो, इसके अंदर भी ट्रिप्टोफेन की मात्रा हाई होती है। आप टमाटर खा सकते हो, ड्राई फ्रूट जैसे काजू, बादाम, अखरोट, इन सभी के अंदर भी ट्रिप्टोफेन ज़्यादा मात्रा में होता है। और इसके अलावा आप सूरजमुखी के बीज भी खा सकते हो, इसके अंदर भी ट्रिप्टोफेन रिच मात्रा के अंदर होता है। और अगर आप लोग नॉनवेज हो तो आप एग खा सकते हो, और जो सैल्मन फिश होती है इसके अंदर भी ट्रिप्टोफेन की मात्रा हाई होती है, आप वो भी खा सकते हो। और दोस्तों, हम वेजिटेरियंस के लिए दूध और पनीर बेस्ट है। दोस्तों, दूध और पनीर के अंदर भी ट्रिप्टोफेन की मात्रा हाई होती है, आप इसे ज़रूर कंज्यूम करें। और एक महीने के बाद अपने भाई को कमेंट में बताना कि आप लोगों को क्या क्या चेंजेस मिले। सो दोस्तों, ये थी वो छोटी सी वीडियो, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों को ये दिक्कतें हैं उनकी कुछ हेल्प हो सके। सो दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मोटिवेट रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में।
हूँ।